तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं कॉलेज। ये मेरे कॉलेज का फर्स्ट दिन है, और तो अभी देखते हैं यहाँ पे बस मिलेगी, बस से जाना है। और मेरे मतलब सब लोग कैसे बनाते, सुबह उठते नाटक करते, सुबह उठ रहे सो रहे, कैमरा चालू है, क्या नौटंकी है। मैं सोचा अपने डायरेक्ट रेडी होके मिलेंगे, कोई नौटंकी करनी नहीं, डायरेक्ट रेडी होके जब निकलेंगे घर से नीचे आ जाएंगे तो अपने मिलेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट कॉलेज का फर्स्ट दिन है, मतलब एडमिशन कराने तो गया था, बट पढ़ने के लिए लेक्चर लेने पहली बार जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ भी कुछ 6:30 बजे यहाँ से बस मिलेगी, बस लेके हमको जाना है। चलो आगे जो क्या सीन है, बस मिलने के बाद हम कॉलेज जाएंगे वाला सीन दिखाते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ जो ओवर एक्टिंग होती है ना वो ना करो, जो रियलिटी है ना वो आपको दिखाऊँ, मतलब जो मेरे साथ हो रहा है जैसा। तो हेलो गाइस, ऐसा वाला नहीं करना है मुझे, अब मुझे करना है जो सच है भाई, देख लो जो सच है, ओवर एक्टिंग नहीं करनी। चलो अभी बस मिलती फिर चलते। तो गाइस फाइनली अभी हम यहाँ पे लाल दरवाजा पहुँच चुके, पहली बार बस ने उतार दिया। अब दोस्तों यहाँ से हमको जाना है कॉलेज, यहाँ से दूसरी बस पकड़ेंगे। तो जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, फाइनली हम कॉलेज पे इंटर होने वाले हैं गाइस। ये सबको मतलब ड्रीम होता है करके, क्योंकि 12th पास करके कॉलेज जाना भी अलग ही फीलिंग है। तो फाइनली हमारा टाइम आ चुका है, हम कॉलेज तो जा चुके बट ऐसे बैग लेके लेक्चर अटेंड करने पहली बार जा रहे हैं। फाइनली चलो पहुंच तो चुका है, ये रहा पीछे ही है बट वहाँ से आगे गेट है। तो गाइस कॉलेज में एंटर कर चुके, और ये मतलब काफ़ी बड़ा कॉलेज है, अभी दिखाऊंगा। तो पता है मतलब बहुत ही ऑकवर्ड लगता है अभी लोग के सबके सामने इसे व्लॉगिंग करना, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। तो यहाँ पर गार्ड वार्ड होते, बहुत सारे स्टूडेंट होते, थोड़ी शर्म आती है, बट कोई ना कुछ दिन करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। अभी आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। चलो तो गाइस ये देखो, ये है इसका सामने का भी, उसके यहाँ से हमको ऐसे जाना है और ऐसे यू जाना है। गाइस कॉलेज तो पहुँच चुके हैं, और देख के तो ऐसा लग रहा है भाई सबसे पहले मैं ही आया हूँ, और सब जगह यहाँ भी पत्ते पत्ते पड़े। अभी थोड़ी देर में, क्योंकि 8 बजे कुछ लेक्चर होते तब तक शायद सब आवे। ये देखो क्या है, ये दाल। और कॉलेज का सीन दिखाता आपको, देखो। तो गाइस ये रहा हमारा कॉलेज, उसका नाम है गुजरात कॉमर्स कॉलेज। यहाँ पे ना मतलब अभी मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, उसका नाम अमन करके है, वो भी आने वाला है। तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ थोड़ी देर, क्योंकि अभी ज़्यादा एकदम मॉर्निंग में आ चुका है, अभी लेक्चर स्टार्ट होंगे थोड़ी देर में, तो तब तक वो भी आ जाता है, फिर साथ में चलते हैं। गाइस अगर हम जाना चाहें ना अंदर भी जा सकते, बट मैं पहले दिन में मेरा पोपट नहीं कराना चाहता, अंदर घुस जाऊँ कोई आके बाहर बोले बाहर रहो, पोपट नहीं कराना, अपने जाएंगे, किसी के साथ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को आराम से जाएंगे। मैं व्लॉग बनाता हूँ, तो अभी आया हूँ, आज कॉलेज का पहला दिन है तो व्लॉग बना रहा हूँ, तो वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्या है। तो ये मुझे मिले हैं यहाँ पे, आप कौन से सेमेस्टर में? बीकॉम सेमेस्टर। आपका ही फर्स्ट है? यस। हम दोनों मतलब साथ में हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। और मेरा इंग्लिश मीडियम। अच्छा, इनका इंग्लिश मीडियम, मेरा गुजराती मीडियम। मुझे इंग्लिश मीडियम में मिला नहीं, थोड़ी मेरिट कम थी। तो अभी लेक्चर ख़त्म हो चुके, अब जा रहे, तो लेक्चर पता नहीं कुछ लंबा ही ले लिया था, तो सबसे पूछ कर रहे थे, तो उसमें सबसे मतलब पूछ रहे थे कि तुम किसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो। तो फिर मैंने बोल दिया मैं बेस्ट फ्रेंड अपना मोबाइल को ही मानता हूँ। फिर क्या रिएक्शन था सबका जब बोल दिया ना मोबाइल को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ? फिर सारी मतलब जो भी फर्स्ट ईयर के थे ना भाई, सब ने मेरे को खड़ा करके पूछे थे, सब ने देख लिया मेरा भाई। अब तो बोले अभी एक NCC का था, बोलता है ये मोबाइल वाला है ना, ऐसा करके हो गया, पहले बार में इंप्रेशन पाड़ दी अपनी। तो आज का कॉलेज का डे तो पूरा हो चुका है। तो गाइस आपने मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे देखा कैसा था, जो भी था थोड़ा वो जो सूट था मैंने डाल दिया, और फिर मैं वहाँ से घर पे आया। घर पे आने के बाद मैं सो गया यार, फिर थक गया था बहुत नींद आ गई, तो मैं सो गया। अभी जस्ट उठाऊँ कुछ देर पहले तो अभी कुछ 6:30 बजे, तो अभी गाइस हम जा रहे हैं जिम, और जिम मतलब इतनी ताकत तो है नहीं, कोई ना अभी जिम जा रहे हैं, और वैसे भी 4-5 दिन से गई नहीं। और अभी मैंने देखा है इंटरनेट पे उर्वशी और ऋषभ का कुछ चल रहा है, मतलब कैट फाइट चल रही है, लड़ाई हो रही है दोनों के बीच, उर्वशी रोटेला क्लेम कर रही है ऐसा वैसा। तो आपको क्या लगता है, उसमें क्या सीन है?
और ऋषभ पंत को रिप्लाई देना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए था, ऋषभ पंत भाई टॉप पे है, रोहित रोटेला तो क्या बोले, तो बॉलीवुड के है। तो गाइस आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, फर्स्ट डे इन कॉलेज कैसा लगा, आप कमेंट करके मुझे बता देना। और आपके भी जो एक्सपीरियंस हो, मतलब पहले दिन आप गए होगे तो क्या क्या सीन हुआ आपके साथ, ये भी आप बता सकते हो। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी मैं आया जिम, चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।